लड़कियों की लगती है परमिशन है मम्मी की पापा की एसडीएम की भाई लड़के बस ये बोल के निकल जाते हैं कि अभी आ रहा हूं अगला कॉल करोगे तो लद्दाख हूं नेटवर्क नहीं आ रहा एसडीएम की परमिशन अगर हमें लेनी पड़े तो कम से कम घर का छज्जा बढ़वाएंगे हम निकल जाते हैं। मेरा दोस्त है पुलकित बचपन का शराबी जो शराबी नहीं होते सर आप तो लग भी रहे हो आप तो जानते हो कब पीना शुरू किया था आपने पहली बार स्कूल में हाँ मैं बता आप पुल्ली के कजन लग रहे हो कसम से वो वैसा है कि हाँ भाई चल रहे हैं मैंने कहा चल रहे हैं कह रहा बस चल रहे हैं बाहर मिला हूं दो लड़के और पहले से गाड़ी में बैठे हुए लड़के बस निकल पड़ते हैं कोलंबस भी ऐसे ही निकला था पता है ना कि हाँ भाई चल रहे हैं कहाँ अरे इंडिया चल रहे हैं डोसा खाएंगे इंडिया लेके भी नहीं गया साउथ अमेरिका ले गया वहां बंदों में रैप्ट मारा डोसा बना दे पूरे रास्ते माल भुगवाया भूख लग रही है क्या मेरा दोस्त पुलकित मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ मैंने कहा जा कहाँ रहे हैं बताएगा कह रहा चल रहे हैं कहीं माने सर अब मेरे को पता ये माने सर बोल रहा है मुने सर ही ले जाएगा मैंने जयपुर के कपड़े पैक कर लिए मैं जाके गाड़ी में बैठा हूँ भाई दो लड़के बैठे थे एक था बिल्लू एक था शानू शानू के बारे में बस एक बात जान लो उसके दांत धार दे तो इसलिए उसको हम साथ में ले आते थे कहीं लड़ाई हो जाए ना बल्ले वल्ले की जरूरत नहीं फावड़ा मार देता था और बिल्लू वो लड़का था जिसने हमें बचपन से बिगाड़ा था झूठ बोलना सिखाया था वो इतना झूठ बोलता था उसने घर में कुत्ता पाला हुआ था पमेरियन उसका नाम रख दिया हस्की तो लड़कियों से फोन पे झूठ बोल रहा है कि जब तू घर आएगी तो तुझे अपने हस्की से मिलवाऊंगा और पापा की बीएमडब्ल्यू में घूमने चलेंगे पापा का ई रिक्शा खड़ा करके बाहर हम निकल पड़े मैंने पुलकित से पूछा कहाँ जा रहे हैं कह रहा 12 घंटे में मनाली पहुंचा दूंगा ये बात कब हुई कह रहा भाई तू कल रात की खबर पढ़ अखबार में मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि कल रात मनाली में 12 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी कह रहा देखा बर्फ तो है पड़ी हमें जाके फटाफट पैक में डालनी है मैंने कहा बर्फ जयपुर में नहीं मिलती कह रहा नहीं वो नेचुरल होती है ना उससे हेल्थ का नुकसान नहीं होता है ना तुझे पता है ना तूने शराब में डालनी है ये बर्फ जाके ठेके पे शराब ली है ज्यादा भर ली मैंने कहा ये ज्यादा हो गई है तो रास्ते में मटका खरीदा एक और उसमें डाल दी सारी शराब ऊपर से लाल रंग का कपड़ा बांध दिया और दो फूल लगा दिए उसके ऊपर और गोद में रख के बैठ गया जैसे ही पुलिस ने रोका रोने लग गया कह रहा पिताजी बहुत प्यार करते थे उसने देखा टूटी लगी हुई है उन्हें खोल दी कह रहा पिताजी को पिघला के ले जा रहे हो क्या है पिताजी मछली है क्या भाई ले गया मनाली ले जाके सबसे पहले राफ्टिंग ऑफिस में लगा दी रहा देखो सर हम थोड़े थोड़े नशे में हैं और हमें एक ऐसा ट्रेनर दो राफ्टिंग के लिए जो कम से कम 15 साल से ये काम कर रहा हूं तो उसने कहा सर राफ्टिंग ही 10 साल पहले शुरू हुई है दो ट्रेनर दो ठीक है आप साइड पे बैठ जाओ अभी राफ्ट आ रही है कह रहा राफ्ट नहीं स्विफ्ट खड़ी है बाहर हमारा महंगा सामान पड़ा है उसके अंदर उसने कहा सर आप सामान ले सकते हो मैं बाहर गया मटका उठा के ले आया ज्यादा सबसे महंगा सामान तो यही है भाई दो ट्रेनर मिले हैं 4 लड़के बैठे हुए हैं नॉर्मल राफ्टिंग चल रही है जैसे ही रैपिड आने वाला था ना शानू ने गाली चढ़ा दी कह रहा अंडी मंडी संडी जो चप्पू चलाए हमने बाद में करे पहले ट्रेनर ने चप्पू अंदर करा 600 रुपए मिलते हैं मुझे इस काम के माँ की गाली भी खाऊं साथ में भाई राफ्ट पलट गई सारे लोंडे इधर उधर हो गए कायदे से अपनी जान बचानी चाहिए हमें हम मटके की तरफ तैर रहे हैं ये ना डूब जाए पुल्ली हमारी मार लेगा ठंड ठंड में बाहर निकले हैं मैंने कहा भाई मुझे होटल दिलवा दो होटल में लेके गए बड़ी मुश्किल से अंदर एक रूम मिला है 4 लड़के एक रूम अंदर से कुंडी मार के कह रहा शराब पियो आज तुम में से जो ज्यादा शराब पिएगा वो हमारे ग्रुप का अल्फा बनेगा अब मेरी नॉलेज में अल्फा कौन होता है हमारी अपनी अपनी डेफिनेशन है अल्फा की मैंने कहा हाँ लेजेंड
मैंने कहा भाई देख अल्फा ना वो होता है जो लाइफ में बहुत बैलेंस्ड चल रहा होता है, जिसके पास लड़कियां खुद आती हैं, हम में से तो किसी के पास नहीं आती। कह रहा अल्फा वो होता है जो ज्यादा शराब पीता है, जिसकी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो पी रहे हैं, लड़कों की ना एक प्रवृत्ति होती है, हम लोग ना बैक नहीं मारते दारू पी के, यहां तक फंसी हुई है। तुमने देखा तो तुम भी लड़का हो। यहां तक दारू फंसा रखी है और बस बात करे जा रहे हैं कि पुल्ली भाई पिछला वाला पिछला वाला हल्का बनाया, इस बार 90 बनाना। ये माहौल चल रहा है, सबने अपने आप को अल्फा प्रूव करना है। चकना खत्म हो गया, दो लड़के नीचे चकना लेने गए, मैं और शानू ऊपर रह गए। शानू ने मौका देख के उल्टी मार दी कमोड में। अब ये ओयो के रूम में उल्टी मार के आ गया है और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैंने कहा भाई अब तो तू अल्फा नहीं बचा, तूने उल्टी मार दी। कह रहा तूने मारी है। मैंने कहा मैंने देखा है तूने मारी है। कह रहा क्या प्रूफ है? मैंने कॉल किया रिसेप्शन पे, मैंने कहा सर कैमरा ऑन है? तो आगे से वो कह रहा सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा कुछ हुआ हो या ना हुआ हो तुम ऑन रखो। मैंने बंद कर दिया। उतने में वो दोनों जो चकना लेने गए थे नीचे से मूफली उफली लेके आए और कह रहे भाई नीचे बॉनफायर हो रही है, लड़कियां बैठी हैं। मैंने कहा अल्फा के पास लड़कियां अपने आप आती हैं। कह रहा वो सब छोड़ अभी नीचे चल रहे हैं, वहां पे टैलेंट राउंड हो रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई शायरी कर रहा है, हम भी पहुंच गए। पुलकित कह रहा रुक जाओ मुझे बात करने दो। 15 मिनट तक बात ही नहीं करी, उसके बाद ऐसी बात करी है कि हमारा हिमाचल में जाना बैन होना चाहिए मेरे हिसाब से। वहां बैठा बैठा लड़की को कह रहा है कि तुम भी यही हो, आग भी लगी है, हम पीछे से चढ़ा रहे हैं कि वाह पुल्ली भाई, ये आप ही कह सकते हैं। तो कह रहा तुम भी यही हो, आग भी लगी है, रोटी बना दो। नोएडा की जनता है जो ताली मार रही है। मुंबई में होता अभी सैंडल उठ के आ गए होते। मैंने गुद्दी पकड़ी, मैंने कहा भाई फेमिनिज्म आ चुका है तुझे पता नहीं है क्या? कह रहा पहाड़ों में भी। मैंने कहा ऊपर चल तुझे बताता हूँ मैं। भाई रूम के अंदर मैंने कहा चुपचाप यहाँ पे ताश के पत्ते खेलो, हल्का हल्का बैग बनाया, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, उसके बाद क्वीन आ गई। कह रहा देख खुद आती है। तो मैंने कहा सुना है तुम में से अल्फा मैं हूं, तुम मेरे बाल, आई यूज्ड टू हैव दीज लॉन्ग हेयर शोल्डर लेंथ हेयर। भाई मेरे ना लंबे बाल होते थे, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा अल्फा वो होता है जिसके हार्मोन ज्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, देख रहा है क्या प्रूफ लेके चल रहा हूँ सिर पे। तो बिल्लू कह रहा बाल देखने है ना। मैं दिखाता हूँ। ये बोल के उसने अपनी टी शर्ट उतारी। भाई साहब छाती पे इतना बाल, कमरे में अंधेरा हो गया। इतना बाल भाई साहब, मैं कह रहा हूँ तुम्हें गाय भैंस रखनी हो यहीं छोड़ दो, मर्डर करके यहाँ छुप जाए बंदा। तो पुल कितने थप्पड़ मारा, कह रहा जब तेरे पास ये जगह थी तूने मटका पहले क्यों नहीं छुपवाया? उतने में शानू बोल पड़ा, कह रहा अल्फा के ना दांत बड़े होते हैं। तो बोल के कह रहा देख बड़ा ही अगर कंपेयर ही करना है तो मैं बताता हूँ क्या बड़ा होता है। और ये बोल के उसने हम सब की मर्दानगी पे चैलेंज डाल दिया। हम भी थोड़े थोड़े नशे में थे, हमने कहा निकालो आज ये पोकेमोन का खेल हो ही जाए। हाँ सारे अपने अपने पिकाचू निकालो, इसको रायचू बनाओ। मैं उसकी सोच रहा हूँ जो सीसीटीवी से हमें मॉनिटर कर रहा है, उसे क्या लग रहा है ये कौन सी तंत्र विद्या है? सुशांत सिंह राजपूत का राज बोल रही है। चार लड़के आधे घंटे तक ट्राई करते रहे, मैंने अपना फोन निकाला अपनी वही गलत फिल्में, बिल्लू ने अपना फोन निकाला अपनी एक्स की फोटोज,
शान उन्हें निकाली जेब से डंडी, कह रहा विंगार्डियम लेवियोसा। पुलकित ने जुराब उतारी है पहले, कह रहा पहले तेरा डॉबी फ्री करूं इधर। है भाई ये चला आधे घंटे बाद जब रिजल्ट आया तो पुलकित का सबसे छोटा वहीं पे उसका नाम बढ़ गया पुल्ली छोटी डुल्ली। सब्जी के संग रोटी है पुल्ली भैया की चोटी है। सारे काम पुल्ली से करवाए गए हैं। पुलकित को बोला कि उसको बोला कि भाई तू जो खाता है वही हो जाता है, तो चखने में मूंगफली खाना बंद कर, है रात को घी की सब्जी खाई हो। और ये लड़का इस पॉइंट पे चाह के भी इस ग्रुप को छोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये छोड़ गया तो ये तीनों सबको बता देंगे कि पुलकित की तो बस सोच ही बड़ी है। और अगर वो सोच भी लेगी भाड़ में जाए ये लोग छोड़ रहा हूं मैं इस ग्रुप को, तो इसे वो नहीं छोड़ने देगा जो तीसरे नंबर पे। तो मैं और पुलकित आज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आंखों में देखना है मेरी। कौंडो का ग्रुप आया भाई मुझे दिख रहा है, नहीं ये तो गर्लफ्रेंड्स के साथ आए हैं भाई। गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स, तुम लौंडे हो, तुम क्यों, तुम भाई मनाली निकल जाते आज, तुम यहाँ क्यों आ गए हो परिवार वालों के। अच्छा वाला लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तुम जाते हो ट्रिप व्रिप पे जाते हो? कब गए थे लास्ट, कहाँ गए थे? तीर्थन, कोई लड़की तो नहीं गई होगी साथ में? ये प्राउड होने वाली बात नहीं है। और भाई तुम लड़कियों के साथ चले जाओ, उनके पास पूरा प्लान होता है कि दो जगह सनसेट देखेंगे, तीन जगह सनराइज देखेंगे, एक दो बार बीच में अपना राइज देखेंगे। लड़कों का कोई प्लान नहीं है। तुम ये देख रहे हो चार लड़के आए हुए हैं, ये एक सीट खाली है, ये किसकी है? पुल्ली की सीट है। पुल्ली इनका कहीं मुंह दिखाने लायक थोड़ी, पुल्ली नीचे पार्किंग लगा रहा है, क्योंकि सारे काम ग्रुप के अब पुल्ली कर रहा है। चखने में से सब खा ले रहा, किशमिश नहीं खाने दे रहे उसे, कह रहे हैं जैसी डाइट होती है वैसा इंसान हो जाता है। तू एक काम कर खीरे कटवा ले।